भारत निर्वाचन आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है इन तीन राज्यों में जो 12 मार्च 15 मार्च और 20 मार्च को 22 मार्च को मतदान होंगे नागालैंड मेघालय और त्रिपुरा इन तीन राज्यों के चुनाव राजनैतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी दल के रूप में सत्ता में शामिल है लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक स्थिति है वो सामरिक दृष्टि से भी और पॉलिटिकली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की राजनीति के लिए 2024 के चुनाव के ठीक पहले इन तीन राज्यों के चुनाव परिणाम संख्या के दृष्टि से भले ही उतने महत्वपूर्ण न हो जहां तक सांसदों की संख्या का सवाल है और लोकसभा की सीटों का पार्लियामेंट की लेकिन पॉलिटिकली इन राज्यों के चुनाव परिणाम बाकी छः राज्यों के चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार देश में यह इम्प्रेशन बनाने में जुटी हुई है कि वह अजेय है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा अनुशासित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे ज़्यादा संसाधन है और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक क्रेडिबल फेस है तो अब इन तमाम पॉजिटिव नैरेटिव्स के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ नॉर्थ ईस्ट में अपना पॉलिटिकल फार्च्यून कहें या पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट आज माने जा रही है और एक और बात बार बार कही जा रही है पिछले कुछ वर्षों से कि जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में बेरोजगारी महंगाई हेल्थ इशूज़ एजुकेशन के इशूज़ को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होती रही है देश की इकोनॉमी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होती रही है अभी कुछ दिनों पहले जो आक्सफेम की रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि भारत में अमीर और गरीबों के बीच में जो पहले से खाई थी वो और ज़्यादा वाइडन हुई है और चौड़ी होती जा रही है बढ़ती जा रही है इन सारे निगेटिव हमलों को झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े सहयोगी दलों के साथ नॉर्थ ईस्ट में अपना मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है या दर्ज कराने की रणनीति पर काम कर रही है और जब आज इन तीनों राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन तीन राज्यों के चुनाव परिणाम एक तरह से हम कहें तो इंडिकेटर होंगे बाकी छः विधानसभाओं के चुनाव परिणामों के लिए हम सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो दिन के राष्ट्रीय कार्य समिति में के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से दो टूक लहजे में क्या कहा उनका साफ कहना था कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने की कोशिश होनी चाहिए भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए किसी के खिलाफ किसी के भावनाओं को आहत करने संबंधी शब्दावली और व्याख्यान देने से बचना चाहिए इसका मतलब बिल्कुल साफ़ था हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदगी कमजोर है या कम है उसका सबसे बड़ा कारण उन राज्यों का जातीय सामाजिक समीकरण है उन ये ज़्यादातर राज्य क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसकी मौजूदगी इन राज्यों में कम है शायद यही कारण था कि नरेंद्र मोदी का जो बयान आया अपने कार्यकर्ताओं के लिए इसके पीछे उनका लक्ष्य इन तीन राज्यों का चुनाव था उनको मालूम था कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नेता और कार्यकर्ता बयानबाजी करते रहे हैं चाहे कपड़ा पहनने को लेके हो या खान पान के लेके हो उसका बहुत ही सार रिएक्शन नार्थ नॉर्दर्न स्टेट्स में देखने को मिलता रहा है और एक बार नहीं कई बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के राज्यों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यशैली का विरोध किया जा चुका है तो नरेंद्र मोदी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव लड़ना है वाले विधानसभाओं का और फिर लोकसभा का तो इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से अपील की है कि बाढ़ी से लेके भाषा तक में संयम बरतना चाहिए सरकारी नीतियों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार के तरफ से जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनको समाज के सभी तबके तक तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए इसके पीछे पूरी तरह से एकदम हिडन एजेंडा था बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का वह हिडन एजेंडा एक ही था कि किसी भी कीमत पर चाहे जो भी करना पड़े चाहे भले ही जूनियर पार्टनर के रूप में अलायंस करना पड़े नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या हम कहें कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रजेंस सुनिश्चित करना है और वह तभी होगा जब इन राज्यों में जहाँ की आज चुनाव का ऐलान हुआ है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी अभी तो जो सरकारें चल रही थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन सरकारों में कोलिशन पार्टनर्स थी वो हम सबको पता है वह कोलिशन जो था जिस तरह का कोलिशन बना था और जिस दबाव में कोलिशन बना था ये भी हम सबको पता है हम सबको पता है कि केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उसके दबाव में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोलिशंस बनते हैं एलायसेज बनते हैं एलायसेज टूटते हैं आज की तारीख में बीजेपी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है तो इसलिए बीजेपी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अलायंस बनाने में अलायंस तोड़ने में कोलिशन पार्टनर बनने में कोलिशन पार्टनर्स को तोड़ने में अहम भूमिका निभाती रही है लेकिन अब जब चुनाव में जाना है और इन राज्यों के चुनाव सीधे जनता के जरिए अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करानी है तो ये जरूरी है कि उन राज्यों की जनता के बीच में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई जाए मेघालय और नागालैंड में तो ज़्यादा बीजेपी को पहले से भी कोई बहुत उम्मीद नहीं है लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी सर की सरकार है और त्रिपुरा की बीजेपी की सरकार भी हम सब जानते हैं कि आयातित नेताओं के दम पर बनी थी त्रिपुरा बीजेपी में ज़्यादातर नेता या तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए थे या लेफ्ट पार्टीज को छोड़ के आए थे आज त्रिपुरा के जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं तो यह हम कह सकते हैं कि आज त्रिपुरा में जो भी सरकार है वो आयातित नेताओं की सरकार है आयातित नेताओं की बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थन से चल रही सरकार है लेकिन अब जब दोबारा चुनाव होने जा रहा है तो यह बीजेपी के लिए बीजेपी के नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस बढ़ाई जाए अपनी पॉलिटिकल मौजूदगी बढ़ाई जाए और एक बार फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बीजेपी या हम कहें कि एनडीए या लोकल जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल सरकार बनाई जाए अब देखना है कि मतदान के वक्त इन राज्यों की जनता किस पार्टी पर किस अलायंस पर अपना भरोसा जताती है लेकिन अभी तक जो स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के विरोधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से उन राज्यों की वह बहुत ही हम कह सकते हैं कि रोचक है और बहुत ही चैलेंजिंग भी है ख़ास तौर से नेशनल पार्टीज के लिए तो आज इन विषय पर मैंने सोचा कि मैं अपनी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं और ज्यों ज्यों चुनाव की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी त्यों त्यों हम लोग लगातार अपने इन चैनल के माध्यम से आप लोगों को एनालिटिकल जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हैव अ गुड डे